फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड आज हमारा ऊँट, कुछ ऊँट है जो लगभग 5-6 ऊँट है जो दूसरे का ऊँट हमारे पास आए थे, आज वो ले जाएंगे यहाँ से और ड्राप कराने के लिए आए थे जो कि मीटिंग के लिए, और आज हमारा कपिल उनको दे दिया है और 5-6 है अभी आएंगे गाड़ी से पिकअप वाले ला देंगे। आज दिखाएंगे आपको किस तरह वो लोग कितनी मुसीबत से उसको लाते हैं, बांधते हैं, छानते हैं, फिर वो लेके जाते हैं। सारा कुछ आज दिखाएंगे वीडियो में, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट कमेंट जो हो के आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं ये कुवैत का कुछ सीन है और ये हमारा गुरफा है और मैं इधर से आ रहा हूँ, मेरा ऊँट सब उधर थे, अभी मैं उधर से खदेड़ के फिर वहाँ पहुँचा दिया हूँ। और इधर खेमा में लगा हुआ है फ्रेंड, तो अभी फ़िलहाल मेरा कपिल है, मैं उधर वीडियो बना लूँगा धीरे से, आपको दिखाऊँगा भी और आप वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखिएगा फ्रेंड, तभी आपको मज़ा आएगा। और साथ में आपको मैं दिखाऊँगा कैसे लाते हैं, कितनी मुसीबत से लाते हैं। फ्रेंड चलते सीधे जिबा में आपको दिखाते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो लोग आए हैं बांधने छाने के लिए, इनके पकड़ने के लिए, फिर पकड़ के लादने उदने के लिए, गाड़ी में रखने के लिए, ये लोग जो हैं सूडान देश के हैं। सूडान एक देश है ना, उनको शॉर्टकट में सुथानी बोलते हैं, सुथानी, लेकिन ये है सूडान देश के। तो फ्रेंड अभी मेरा कपिल बुला रहा है, सलाम बाप। तो फ्रेंड कपिल हमारा पूछ रहा था कि तुम्हारा ऊँट सब किधर है, तो मैं बताया कि मेरा ऊँट सब दूसरी तरफ चरने गया है, मेरा आदमी लोग अभी थोड़ी देर के लिए ले गया है क्योंकि बांधने में बहुत दिक्कत फील होता है, इसलिए मैं बोला कि उधर ले गया है। वो पूछ रहा था मतलब है किधर तुम्हारा सब ऊँट। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितनी मुश्किल से इनको बांधने का तरीका, आप देखेंगे तो आप भी डर जाओगे, ये बांधना इतना खतरनाक है, ये पैर बहुत ज़ोर से चलाते हैं, फिर भी ये लोग कर लेते हैं, हम भी लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह नहीं बांधते, हम लोग दूसरे हिसाब से बांधते हैं, जो कि मैं आपके कोई वीडियो में दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं पैर कितनी ज़ोर से चला रही है, कितना रिस्क भरा काम है, फिर भी लोग करते हैं, हम भी लोग करते हैं, सब करते हैं। फिर इनको JCB से उठाया जाता है। तो फ्रेंड आप देखिएगा अभी कितनी ज़ोर से पैर चलाएगी, उठने के लिए, भागने के लिए, तोड़ने के लिए। फिर आप देख सकते हैं क्रेन जब इसको उठा रहा है कितनी परेशानी होती है इनको, फिर ये क्या करा जाए, ये सब सिस्टम ही है और इनको हाथ से कोई उठा कर रख नहीं पाएगा, इसीलिए इतनी वजन भी होते हैं इनके और फिर इनको उठाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इनको क्रेन से उठाया जाता है, फिर इनको गाड़ी में अच्छे तरह से रखा जाता है। और हम यहाँ पे लगभग 4-5 लोग थे, हमारा कपिल भी था जो कि गाड़ी में बैठा था, वो अपना सब कुछ बता रहा था क्या करना कैसे करना है। तो ये प्रदेश की लाइफ भाई, कुवैत की मजरे की, जो इस तरह काम करना पड़ता है, ये जो काम है हम लोग नहीं करते, ये लोग अलग से आते हैं क्योंकि इनको मालूम है सारा काम कैसे लादना है, कहाँ ले जाना, और गाड़ी खुद लाते हैं और हम लोग केवल चराना, हमको इनको पालना पोसना सब कुछ यही रहता है। फ्रेंड अभी गाड़ी में हम लोग इनको रखेंगे, आप देख सकते हैं गाड़ी में हम लोग रख दिए हैं, अभी गाड़ी से फिर ले चले जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, कोऑपरेट करें ताकि हमको भी कुछ आगे बढ़ने का चांस मिले, क्योंकि मैं रिस्क लेके ये वीडियो बनाता हूँ आपके लिए कि आप लोग थोड़ा समझें प्रदेश में किस तरह लोग काम करते हैं, कैसे ज़िंदगी जीते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल के जरिए बताता रहता हूँ रिस्क लेके। आप देख सकते हैं हमारा कपिल भी आया है, फिर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको भी कुछ आशा लगे, अच्छा लगे, ताकि आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास बहुत सारा काम है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत सारा काम है। फिलहाल दोस्तों इन लोग इनको अच्छे तरह लाद लेते हैं और फिर गाड़ी से ले कर जाने की भी तैयारी में रहते हैं, और ये लोग आसानी से गाड़ी में भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, फिर इनको अपनी जगह जहाँ पर ले जाना होता वहाँ पर ले जा कर फिर ये इसी क्रेन से फिर नीचे भी उतारते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों कुवैत के मजरे में। फ्रेंड आप लोग वीडियो यहाँ तक देख लें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं हर प्रकार का वीडियो अपने चैनल पर दिखाता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सपोर्ट करें, जितना हो सके सपोर्ट करें। और दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं कर पाऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काम भी ज़्यादा है इसलिए वीडियो को मैं छोटा कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए दोस्तों सॉरी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों, जय हिंद जय भारत।